बारे में पूछना भाई जी, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके नाम से भूत प्रेत कोई नहीं आ रहा। नाम बताओ, अपनी वाइफ का नाम बताओ। लाइफ काम कर रहे हैं, बीमार रहती हूँ हमेशा, पूरी बॉडी के बीच में दर्द रहते हैं उन्हें। बीमार होती हैं ठीक होती हैं, बीमार होती हैं ठीक होती हैं, पर उन्हें एक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, जैसे कि उनके बाल से झड़ते रहते हैं हमेशा, कलेजे के बीच में दिक्कत रहेगी, बेचैन सी बढ़ जाते हैं, घबराहट बढ़ जाता है, जिसके करके कभी कभी पैरों में सूजन आ जाएगी, क्योंकि वो दिक्कत भी है थोड़ी, डॉक्टरी प्रॉब्लम भी उन्हें बनी हुई है। डॉक्टर कोई वैसी बीमारी तो नहीं बता रहे पेट की? जैसे कि उन चीज़ों में बता देते हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कत रहती है। आज की प्रॉब्लम नहीं चल रही, कम से कम 11 साल पुरानी दिक्कत चल रही है, पर पिछले 1-1.5 साल से दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आपके नाम से कोई भूत नहीं आ रहा था। ठीक है, साथ के साथ घर के पितर जो उल्टे चल रहे हैं, जिसके करके हमेशा आर्थिक स्थिति में कमी आती है, घर में छोटी छोटी बातों पे ग्रह कलेश लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, उसके लिए आपको जब जब टाइम मिलता रहे आते रहना है, अपनी 8 बार हाजिरी लगानी आगे शनिवार। ठीक है, जय श्री। प्रकाश भाई जी भूत प्रेत तो नहीं है, किसके बारे में पूछना है? भूत प्रेत नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ कोई मंत्र जाप करते हो, ठीक है, पूजा पाठ करते हो, बात की होती है, राम राम भी करते हो, बालाजी महाराज का भी नाम लेते हो, वो आपका हो लेते हो? ठीक है, चलो बैठ। जी तेरे पैरों के नीचे के हिस्से में प्रॉब्लम रहती है क्या ज़्यादा हमेशा? जैसे कि इन चीज़ों में ये जैसे कि चींटियाँ सी काटती है ना, ऐसा महसूस होता है, पर एक दर्द जाता है जैसे इधर की तरफ से पीछे कमर में, तो तेरी नस सी हमेशा नस में प्रॉब्लम बताएंगे डॉक्टर जब भी बताएंगे, क्योंकि प्रॉपर मैं देखता हूँ तेरी बॉडी के बीच में कोई प्रेत नहीं है, पर घर में पितरों का दोष रहता है, जिसके करके हमेशा शारीरिक कष्ट बने रहेंगे, बनते बनते काम बिगड़ते रहेंगे, कोई भी काम करोगे काम नहीं बनेगा, उसके लिए आपको बीच बीच में आते रहता है कमर में दर्द, पितरों का दोष है आपको, बैठो। हाँ वो पितृ दोष ही है ना, वो सांप और पानी दिखते हैं ज्यादातर, घर के मरे गिरे दिखते हैं, वो इसीलिए दिखते हैं क्योंकि वही सारे उल्टे चल रखे हैं, जब वो सारे सीधे हो जाएंगे तो आप रात में डरना भी बंद हो जाएगा, जो बॉडी के बीच में दर्द है वो भी सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, पितरों का दोष है, बैठो। पेट में प्रॉब्लम रहती है हमेशा, इन चीज़ों में चुभन सी बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है, खाया पिया बचता नहीं है, कभी कभी पेट फूल जाता है, सोते सोते रात में डरेगी दबेगी, झटके से लगते रहेंगे, आँख खुलती रहेगी, डॉक्टर ने इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं बताते तुझे? रहती है पेट में परेशानी? कितने टाइम हो गया इन्फेक्शन बताए? एक साल हो गया था तो ठीक हुआ, फिर दोबारा दिक्कत, क्योंकि बहन जी आदमी प्रेत जो कहीं से चौक चौराहे से लगा हुआ, आज का नहीं है, पिछले 7 साल पुराना, पर पिछले कुछ महीने से दिक्कत दोबारा बढ़ने लगी है। ठीक है, उसके लिए आपको बीच बीच में आना है, अपना सामग्री का उतारा कराना है, जय श्री। चौक चौराहे से कोई प्रेत लगा हुआ है? हाँ, वो उसी का कारण दर्द होता है वो कमर में तुम्हारी। इससे पहले आपने दिखाया, आप फर्स्ट टाइम ही आए हो दिखाने जी? इससे पहले कहीं दिखाया जी? नहीं दिखाया, फर्स्ट टाइम ही आया ना जी? जी सर, क्योंकि मेरे को भी कोई वैसा नहीं दिखा है, पर आप जाप भी करते हो कोई, जैसे कि ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हो, भक्ति करते हो, सेवा करते हो, पूजा पाठ करते हो, अध्यात्म में भी आगे बढ़ना चाहते हो जी, सोचते हो मैं भी लोगों का जन कल्याण करूं जैसे और लोग करते हैं, पर हमारे खुद के घर में प्रॉब्लम बनी रहती है, हम जब भी भक्ति में बैठते हैं तो आँखों से आंसू आने लग जाते हैं, उबासियाँ आती हैं जी, ठीक है, रोने का सब मन करता, बॉडी के बीच में वाइब्रेशन होती है, कंपन सा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो आपके घर के पितर, वो आपके घर के एक पितर मैं बताता हूँ कैसा, जैसे कि गले में ना एक स्वापी सी डालता है, कपड़ा सा डालता है, छोटी सी हाइट है, पतला सा लाठी सी लेके चलता है, ठीक है, ऐसा ही है जी? ये कभी कभी आपको दिखेगा भी, क्योंकि यही आपका साफ है, क्योंकि आपके घर में दोष भी उन्हीं का रखता है, क्योंकि ये पूरे पूरे पितर तुम्हारे साफ नहीं है, दो चलते हैं जिनमें से एक मलिन है एक साफ है, उसके करके आपकी भक्ति कभी बढ़ जाते है, कभी रुक जाते, कभी बढ़ जाते, कभी रुक जाते है, ठीक है, बनते बनते सारे काम उसी के करके बिगड़ जाते हैं आपके, तो उसके लिए आप बीच बीच में आए, आके अपना हवन सामग्री का उतारा कराए, जय श्री। जी सर, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम। हाँ वो पितरी है ना, वो सारी हो जाएगी जब पूरा, वो पितरी है ना, जो मलिन भी वो साफ हो जाता है, कभी गंदा हो जाता है, जो घर के मरे गिरे होते हैं ना पितर दोष है, उनके कारण ही आपको। और बेटे का संजू, पति का मेघराज, कहाँ से आई है? दिल्ली भाटी माई से। रहने वाले तो कहीं और के हो?
बिहार के, बिहार में कहाँ के? बेगूसराय। पहले इनका घर देखो क्या है, शिबरी बेगूसराय। बोलो। घर में देखता हूँ गुरुजी, जैसे कि पहले ऐसा ऊंचा नीचा सा दिख रहा, जैसे ऊंचा नीचा सा करता था, ऊंचा नीचा सा दिख रहा। बोले शरीर महाराज की। पर घर में भी प्रॉब्लम पुरानी चल रही है, घर में भी प्रॉब्लम पर पुरानी चल रही है। क्या है जो इनके घर में चलते गुरुजी? एक लेडीज, एक घर में औरत प्रेत है, वो चलती है तुम्हारे घर में, बॉडी से बांध के रखती है, पर उसके साथ साथ आदमी प्रेत भी चलता है। उसके साथ एक आदमी भी प्रेत चलता है, वो औरत भी साड़ी बांध के रखती है, वो जो प्रेत है रेड सी साड़ी डाल रखी है, लाल साड़ी डाल रखी है, उसने तेरे को दिखाई देती है? अच्छा, वो आदमी दिखाई देता है सपने में? हाँ, उसको दिखाई देती थी लेडीज। हाँ, वो उसको दिखाई देती है इसके घर वाले की। इनके पूरी पूरी बॉडी के बीच में चीज नहीं रहती, बॉडी से बाहर रहती है, सोए पड़े सबको ही दबा पड़ते हैं, बाहर रहती है चीजें, सबको ही रात और में सोए पड़े सबको जगाती है, झटके दे दे, झटके से लगते रहते हैं, सारे डरते हैं, चौंकते रहते हैं ना सब। बस यही है तुम्हारा खेल। आओ चलो, ठीक हो जाओगे, घबरा मत। चलो, उन्हीं ने सारे काम बंद कर रखे हैं, ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, जितने भी रहेंगे भाई सबको लाइन में लगा दे। विकास जी नाम बोलो। अरे मैंने विकास जी उसको बोला, तेरे को थोड़ी ना बोला। बंटी देवी पति का नाम? अच्छा, अरे इसके पति का नाम विकास कुमार है, जो दोरागी है। बंटी, बंटी के पति का नाम विकास कुमार। कहाँ से आई है? भाटी माई से, उन्हीं के साथ आई है। क्या होता है इसको गुरु जी? इनका ज्यादातर ना रोने का मन करता है, हमेशा पूरी बॉडी पे वीकनेस रहती है, एकांत में बैठने का मन करता रहती है, रोने का मन करता है, एकांत में बैठी रहती है। क्योंकि आज की प्रॉब्लम नहीं चल रही, पिछले 7 साल पुरानी दिक्कत चल रही है, 1 साल से दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है, हमेशा सर में दर्द रहता है, बेचैनी सी रहती है, घबराहट रहती है, खाया पिया पछता नहीं, हमेशा छाती पे दबाव सा रहता है। यही है, ऐसे ही होता है बेटे। क्या है, आदमी प्रेत है 7 साल पुराना, आदमी प्रेत है 7 साल पुराना, एक ही अकेला, एक ही अकेला, जल्दी ठीक हो जाएगी। 7 साल। आओ अगला, आओ अगला, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, अगले को भेज भाई, अगले को तैयार रखे अगर फौरन। कौन है? कौन नहीं बीमार? कौन है? नाम बताओ। पानीपत से। बेटे का नाम बताओ। चित्रांश। चित्रांश, कै साल हो गए शादी को तेरी? 1 साल। गुरुजी आज की प्रॉब्लम नहीं है, शादी से पहले भी बीमार रहती थी, अभी भी बीमार रहती है। शादी से पहले भी बीमार रहती थी, अभी भी बीमार है। शादी के कुछ टाइम बाद ही दिक्कत बढ़ने लगी थी, हमेशा गला सा घुटता रहता, पूरी बॉडी के बीच में दबाव रहते, आधे सर में दर्द रहता है। ये भाई है, इनके भी सर में प्रॉब्लम हो जाती है, माइंड बन जाता है, कभी भी हाइपर हो जाते हैं, कभी कभी कंधे में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी छाती पे दबाव रहता है, क्योंकि वो आदमी प्रेत चल रहा है, आज का नहीं चल रहा, इनके घर में भी पुराना चल रहा है, दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम है इस बहन जी को, ससुराल की तरफ से भी और इधर से भी और उधर से भी। हाँ सर, तुझे क्या होता है? इसको ये रात को तड़के आवाज आ रहा है, बाहर पीछे से तो पेशी भी लगनी तक की कर, इसमें बता दे ना, मैं आपको बता दूंगी, होंगी थोड़े ना, तो बताना अपना, बता सर मां को, तो ना बता जो तो जब हाजिरी आ रही थी तब नहीं डर रही थी? हां, जो दिक्कत है बता दे, दर्द रहते हैं ना तुम्हें शरीर में, शाम होते वक्त पूरे जिस्म में दर्द, पूरे नील के निशान पड़ते हैं, नील के निशान ना, अच्छा नाभि के नीचे, नाभि से नीचे दर्द रहता है ज्यादातर, पेट नाभि, नाभि के नीचे दर्द होता है, माप के नीचे, हां हां, कभी कभी कमर में होता है ज्यादा, हां कमर में इस साइड, हां ऊपर की तरफ एकदम, बस वही दर्द, आदमी प्रेत है, आदमी प्रेत, चलो ठीक हो जाएगा, 7-8 बंदे हैं इसको, तो आदमी प्रेत है, वो ठीक हो जाएगा, तेरे घर से भी है, वैसे इसके ससुराल से भी, आओ। बेटी है तू उसकी बड़ी? हाँ। तो तुझे क्या है? मैं इनके साथ में हमारी बच्चे रखती हूँ। कोई बात, इंदिरा, इंदिरा का पति का नाम? सुरेंद्र सिंह। चले गए ना, कोई बात नहीं, आपको नाम तो बताना पड़ेगा ना, इंदिरा देवी। कहाँ रहते हो? गुड़गांव से ही रहते हैं जी, बताइए। इंदिरा देवी माता को मैं देखता हूँ गुरु जी, वैसे कोई भूत प्रेत नहीं है, पर पितरों की सब हमेशा घर में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, इनके पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द बढ़ जाता है, बेचैनी सी रहती है, घबराहट सी रहती है, नींद भी बहुत कम आती है, ऐसा ही है। उनके बारे में क्या?
वो तो नहीं बताते हम, लेकिन ये बता देंगे प्रेत योनी में है कि नहीं इनके पति, मैं बताऊँ उनको। सुरेंद्र सिंह, इंदिरा देवी के पति सुरेंद्र सिंह। साफ तो नहीं है गुरु जी प्रेत योनी के बीच में। प्रेत योनी में कैसे हैं देख रहे हैं, थोड़े से सांवले से है, हेल्थी से है, हाइट थोड़ी ठीक सी है, मीडियम सी हाइट है, 6 फुट से ऊपर सांवले से ही थे। सांवले से हैं, हेल्थी से, भारी शरीर के, वो तो हाइट का तो जरूरी नहीं ना, क्योंकि जो सूक्ष्म दिखाई देगा वो तो छोटा ही दिखाई देगा, इतने ही दिखाई देगा, या फिर इतने से आकार में दिखाई देगा, या इतने से गोलाकार में दिखाई देगा, उसको तो इतने से अंदाजा करना है। ठीक है, उसने भी बताया ना हेल्दी है, वो है हाइट ठीक है, कौन बोला, कहाँ खड़े होते हैं बताना जरा, सारे काम वही कर देंगे फिर हमारा क्या काम। जैसे घर में एंट्री करते हैं तो हमने पोल से बना रखे, जैसे कि वो पोल से बना देते हैं, पोल ऐसे डिजाइन से बना, खंबे डिजाइन से बनाते हैं। अरे घर में एंट्री करते हैं ऐसे खंबे से दिखाई देते हैं, पोल बना रखे हैं घर में, अरे पिलर, हाँ वहीं पे खड़े, हाँ तो उसी की कहता हूँ, वहीं खड़े होते हैं खंभों के सहारे तुम्हारे पति। ठीक है, प्रेत योनी में नहीं होते, ये कैसे जानता, उस खंभे के पास खड़े होते हैं। हाँ प्रेत योनी में ही है, मलिन हो रहे हैं, ठीक करना पड़ेगा तब ठीक होगे। ठीक है, आपको भी जो दर्द हो रहे हैं प्रेत के कारण हो रहे हैं, सही ना भाई। प्रेत नहीं है गुरु जी, वही दबाव मारते हैं उसी के करके इनके बॉडी के बीच में दर्द बढ़ जाते हैं। वही है, वही साथ रहते हैं आपके, उसी के कारण दबाव होते हैं। ठीक है, वही मलिन हो रहे हैं। पहले कोई पितृ दोष भी होगा ना, तो यही पितृ में पितृ दोष बढ़ गया, अब ये भी तो पितृ ही गिने जाएंगे ना, बिना पितरों के तो गिने नहीं जाएंगे। तुम तो इनको पितृ मानोगे, जब जब इनको भोग दोगे तब तब ये और दबाव मारेंगे, आगे ना अमावस्या आएगी दर्द बढ़ जाएंगे, ऐसे बढ़ती है ना, तो फिर वो दर्द बढ़ जाते हैं अमावस्या पे। तो अभी पितृ वो पति प्रेत योनी में है, उनको ठीक कराओ, आओगे 7-8 बार उनका उद्धार हो जाएगा। आओ रूपाली, आपका दीपक रूपाली कहाँ से आयो, पलवल से दीपक रूपाली, कहाँ के रहने वाले हो, वो दिल्ली वाले वहाँ पलवल में क्या करने चले गए, तो तू अपने पापा मम्मी के घर ले गई इसको, कमाने खाने देगी कि नहीं, इनको नहीं लेके गई, अच्छा दोनों जॉब करते हैं, बच्चे हैं बहन जी आपके पास, दो बच्चे, एक बेटा एक रूपाली और, इनके घर में गुरुजी प्रॉब्लम बनी रहती है हमेशा, इनके काम में भी प्रॉब्लम आती है, आर्थिक स्थिति में भी कमी आती रहती है, हमेशा चिड़चिड़ा नेचर हो जाता है, गुस्सा आता रहता है, क्योंकि ये बहन जी हमेशा बीमार होएगी ठीक होएगी, बीमार होएगी ठीक होएगी, आज की प्रॉब्लम नहीं चल रही, पिछले कम से कम 7-8 साल पुरानी दिक्कत चल रही है, पर 1-1.5 साल से दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है, 1 साल से ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये दो चीज़ें गुरु जी, दोनों आदमी औरत दोनों हैं जो हमेशा दबाव मार, जोड़े के साथ हैं, एक आदमी है प्रेत, एक औरत प्रेत है, हमेशा दबाव मारते हैं, ये किसी ने छोड़े हुए शादी के, छोड़े हुए प्रॉब्लम इसलिए बढ़ी, शादी के बाद ही अब शादी के पहले, शादी के बाद प्रॉब्लम बढ़ी है, शादी के बाद प्रॉब्लम बढ़ी है, किसी ने छोड़े हुए हैं, आदमी प्रेत है औरत प्रेत है, ये दुखी कर रहे हैं आपको, कष्ट में दे रहे हैं, ये सारा कष्ट इन्हीं के कारण है, वीकनेस आती है हमेशा, माइंड सुन सा हो जाता है, वीकनेस रहती है, दिमाग सुन रहता है, और किस चीज का, पीठ का ऑपरेशन, टांग पूरी दर्द है, ये जो दर्द है प्रेत के कारण ही है दर्द तो गुरु जी, वो तो मैं देखूंगा, चलो अगले को भेजो। ठीक है, लेकिन दो प्रेत, किरण कुमारी क्या है, गठिया भाई है, किरण कुमारी पति का सूरज कुमार, देखो पितृ दोष है, पितरों की भी समस्या गुरु जी, आदमी प्रेत भी है, आदमी प्रेत भी है, पितरों की भी समस्या है, कितने साल से आज की दिक्कत नहीं चल रही, 11 साल पुरानी दिक्कत, 11 साल पुरानी, 1.5-2 साल से दिक्कत ज्यादा बढ़ती है, 1.5-2 साल से दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है, चलो आओ इसी में ठीक हो जाएंगे, आना अभी 8 बार, खुशी खुशी ना बोलो, खुशी खुशी की मम्मी पिंकी, खुशी का भाई देव, खुशी के पापा सुशील, कहाँ के रहने वाले हो, रुड़की हरिद्वार से जी, इनके घर में गुरु जी सबको ही प्रॉब्लम रहती है, जो इनकी लड़की है उसे भी प्रॉब्लम होती है, इन माता जी को भी प्रॉब्लम होती है, ये ठीक होती है वो बीमार हो जाती है, वो ठीक होती है ये बीमार हो जाती है, दबाव सबके ऊपर रहता है,
हमेशा जब सोते तो सबको दब जाते हैं, रात में हमेशा बेचैनी घबराहट सी लगी रहती है, झटके से लगते रहते हैं, आँख खुल जाती है, नींद की भी प्रॉब्लम रहती है। बच्चे जब भी पढ़ाई में बैठते हैं तो नींद आने लग जाती है, माइंड सुन्न होने लग जाता है। यही सब हो रहा है जो बताया है, आदमी प्रेत है औरत। गुरु जी दो चीजें हैं और इनके घर के दो पितर वो भी उल्टे चल रहे हैं। दो पितर हैं घर के, वे भी उल्टे चल रहे हैं और दो चीजें हैं करा रखी है क्रिया किसी ने करा रखी है। दो चीजों में क्या है, दोनों आदमी प्रेत है औरत प्रेत है, आदमी औरत दोनों, आदमी औरत दोनों है। कब से चल रहे हैं इनके घर में? कम से कम गुरु जी पुराने चल रहे, नौ साल पुराने। डेढ़ साल से दिक्कत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो कोई नहीं, वो मैं आप देख लूंगा। चलो सारे में दर्द रहते हैं, कष्ट रहते हैं।